नमस्कार दोस्तों, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर ने एग्ज़ाम टाइम टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें प्रोग्राम ऑफ द एमए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन 2022, तो जो भी स्टूडेंट हैं एमए के फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के, उनके लिए टाइम टेबल है। टाइम रहेगा 7 AM to 10 AM ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन। सुबह 7 से 10 बजे के दौरान एग्ज़ाम है। 29 जून से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो 29 जून को आपका पेपर है, आप चेक कर सकते हैं। फिर 2 जुलाई को पेपर है, उसके बाद 4 जुलाई को पेपर है, फिर 8 जुलाई को पेपर है, और उसके बाद है प्रोग्राम ऑफ द एमए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश एग्जामिनेशन 2022 इंग्लिश के लिए। टाइमिंग सेम रहेगा 7 AM to 10 AM। इसमें है 29 जून से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, 29 जून को पेपर है क्रिटिकल थ्योरी, फिर 2 जुलाई को पेपर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर उसके बाद है 4 जुलाई को इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, और फिर उसके बाद 8 जुलाई को पेपर है अमेरिकन लिटरेचर। इस तरह से आपके ये पेपर हैं। देन है प्रोग्राम ऑफ एमए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी के, तो 29 जून से एग्ज़ाम शुरू होंगे, 29 जून को पेपर है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन जियोग्राफी, 2 जुलाई को पेपर है जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, 4 जुलाई को पेपर है बायो जियोग्राफी, 8 जुलाई को पेपर होगा जियोग्राफी ऑफ हेल्थ, फिर उसके बाद 12 जुलाई को पेपर है जियोग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और फिर 13 जुलाई को पेपर है आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी। फिर है प्रोग्राम ऑफ एमए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी, हिंदी का जो है आपका एग्ज़ाम जो है शुरू होगा 29 जून से, तो आप देख सकते हैं आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास, फिर उसके बाद 2 जुलाई को पेपर है भाषा विज्ञान एवं भाषा, फिर है 4 जुलाई को पेपर है नाटक निबंध एवं अन्य गद्य विद्याएं विधाएं, फिर उसके बाद है 8 जुलाई को, ठीक है, कथाकार प्रेमचंद तुलसीदास सूरदास, फिर उसके बाद एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में है 29 जून को पेपर है, 2 जुलाई को है, 4 जुलाई को और 8 जुलाई को पेपर है, फिर उसके बाद है एमए हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के इस तरह से 29 जून को पेपर है, 2 जुलाई को, 4 जुलाई को, 8 जुलाई को, 12 जुलाई को, 13 जुलाई को और 14 जुलाई को पेपर है, फिर एमए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का पेपर है 29 जून को पेपर है, 2 जुलाई को है, 4 जुलाई और 8 जुलाई को पेपर है। तो इस तरह से आपके टाइम टेबल हैं, तो जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका सिलेबस और सेमेस्टर है, आप चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, और इसमें है एमएससी का, एमएससी बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022। टाइम रहेगा 7 AM to 10 AM ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें 29 जून से आपके पेपर शुरू होंगे, ध्यान दीजिएगा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए टाइम टेबल है, और 29 जून को जो है पेपर है बॉटनी का जो है उसमें प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर, फिर 2 जुलाई को पेपर है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, 4 जुलाई को पेपर है इथनोबॉटनी, और 8 जुलाई को पेपर है प्लांट प्रोटेक्शन, और 12 जुलाई को पेपर है अप्लाइड माइकोलॉजी। इस प्रकार से आपके पेपर हैं। अब उसमें आते हैं नेक्स्ट, एमएससी केमिस्ट्री में फोर्थ सेमेस्टर के जो पेपर हैं, टाइमिंग सब में सेम रहेगा 7 AM to 10 AM, बाकी आप चेक कर सकते हैं। 29 जून को पेपर होगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर 2 जुलाई को पेपर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 4 जुलाई को फिजिकल केमिस्ट्री का, 8 जुलाई को पॉलीमर्स का, 12 जुलाई को ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री का पेपर है, फिर 13 जुलाई को पेपर होगा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का, 14 जुलाई को पेपर होगा केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स का, 15 जुलाई को पेपर होगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इस तरह से आपके पेपर हैं एमएससी सेमेस्टर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन 2022 का। तो मैथमेटिक्स में देख सकते हैं 29 जून को पेपर है, 2 जुलाई को, 4 जुलाई को, 8 जुलाई को, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई को पेपर हैं आपके। नेक्स्ट में आते हैं तो एमएससी फिजिक्स,
29 जुलाई को पेपर है, फिर 2 जुलाई, 29 जून को पेपर है, फिर उसके बाद 2 जुलाई को है, 4 जुलाई को, 8 जुलाई और 12 जुलाई को पेपर है। MSc जूलॉजी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन में हैं, 29 जून को पेपर है, 2 जुलाई, 4 जुलाई और 8 जुलाई को, ठीक है। इस तरह से जो भी आपका सेमेस्टर है, जो भी आपका कोर्स है, सिलेबस है, सेमेस्टर है और पेपर है, आप चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट जी। और ये टाइम टेबल है प्रोग्राम ऑफ द एम कॉम 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। एम कॉम 4th सेमेस्टर का है, टाइमिंग 7 AM to 10 AM रहेगा। 29 जून से आपके पेपर शुरू होंगे, तो 29 जून को पेपर है, आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका पेपर या सब्जेक्ट है। फिर 2 जुलाई को पेपर है, 4 जुलाई को पेपर है और 8 जुलाई को पेपर है। जो भी स्टूडेंट हैं एम कॉम 4th सेमेस्टर के लिए, उनके लिए ये टाइम टेबल है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट जी। और ये टाइम टेबल है प्रोग्राम ऑफ BHSC बैचलर ऑफ होम साइंस, यानी गृह विज्ञान विषय के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, और जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत, उनके लिए एग्ज़ाम होगा। और टाइमिंग रहेगा 7 AM to 10 PM, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 7 सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक। 23 जून से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, 23 जून को पेपर है आपका फूड न्यूट्रिशन, जो कि मेजर फर्स्ट में आएगा। फिर 27 जून को पेपर आपका होगा फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल्स, जो कि मेजर सेकेंड, माइनर या इलेक्टिव में काउंट होगा, ठीक है। जिन्होंने भी पेपर लिया है उसके हिसाब से पेपर का नाम देखें और उसके अकॉर्डिंग चेक करें। थर्ड फिर है 29 जून को पेपर है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि मेजर सेकंड, माइनर या इलेक्टिव के तहत आएगा। फिर 2 जुलाई को पेपर होगा फाउंडेशन फर्स्ट का, यानी हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। 4 जुलाई को होगा आपका फाउंडेशन सेकंड, जिसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन और योगा एंड मेडिटेशन का पेपर होगा। फिर आपका 6 जुलाई को पेपर होगा ओपन इलेक्टिव, जिसमें प्रयोजनामूलक हिंदी और विज्ञापन विषयक। और फिर 11 जुलाई को पेपर होगा न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, जो कि वोकेशनल कोर्स होता है व्यावसायिक। ध्यान दीजिएगा कि आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा OMR शीट के माध्यम से 2 घंटे की होगी एवं समय 7 से 9 बजे तक का होगा। फाउंडेशन और वोकेशनल का भी शायद होता है, तो आपके हिसाब से चेक कर सकते हैं, ठीक है, 2 घंटे का रहेगा, लेकिन टाइमिंग तो 7 से शुरू होगी तो वो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दे सकते हैं जो भी स्टूडेंट हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत BHSC के लिए। और आइए देखते हैं नेक्स्ट जी। और ये टाइम टेबल है बीएड साइंस के स्टूडेंटों के लिए, जिनका 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम 2022 के लिए होगा। टाइम रहेगा 7 AM to 10 AM ऑन ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन, सुबह 7 से लेकर सुबह 10 बजे तक के दौरान आपका एग्ज़ाम होगा। आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे 5 जुलाई से, 5 जुलाई को जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर होगा। फिर उसके बाद है 9 जुलाई को एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT का पेपर होगा, देख सकते हैं पेपर सेकंड जो भी आपका है। फिर 11 जुलाई को पेपर होगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, 11 जुलाई को पेपर है CC3 का। फिर 13 जुलाई को पेपर होगा आपका ऑप्शनल कोर्स AnyOne वैल्यू एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो उसमें देख सकते हैं जो भी आपने लिया, ज़्यादातर लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग लेते हैं, बाकी जो आपके हिसाब से जो भी आपने पेपर लिया है उसका जो है होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपका सेमेस्टर है, जो भी आपका कोर्स है और जो भी आपका पेपर है। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।